पलवल नागरिक अस्पताल वन स्टॉप सेंटर में कर्मचारियों की ओर से समय पर ना पहुंचने की शिकायत को लेकर नगराधीश के द्वारा मौके पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया गया, जिसके बाद जांच के आदेश दे दिए गए। दरअसल पलवल के वन स्टॉप सेंटर में स्थानीय लोगों की ओर से शिकायत मिलने पर पलवल नगराधीश कुमारी द्विजा की ओर से टीम सहित नागरिक अस्पताल के दूसरे तल पर वन स्टॉप सेंटर में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कर्मचारियों के समय पर ना पहुंचने को लेकर जांच के सख्त आदेश दिए गए। वहीं पूरी बिल्डिंग का मुआयना करने के दौरान रसोई घर से लेकर कार्यालय तक टीम के साथ जांच की गई। रजिस्टर हाजिरी को लेकर कर्मचारियों के मौके पर ना होने पर विभागीय जांच के आदेश दिए गए। साथ ही वन स्टॉप सेंटर में पीड़ित महिला और लावारिस बच्चों को सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं को लेकर कर्मचारियों से बात की गई। रात को ड्यूटी के समय कर्मचारियों के मौजूद ना होने को लेकर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए। हालांकि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी उच्च अधिकारी के द्वारा इस तरह का औचक निरीक्षण किया गया। अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले समय में ड्यूटी के समय कर्मचारियों के ना मिलने को लेकर नगराधीश की ओर से क्या कोई कार्रवाई की जाती है। अगर इसी तरीके से प्रशासन सख्ती से लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने लगे तो जनता को आने वाले समय में इससे काफी राहत मिल सकती है। जैसा कि मुझे सुबह ही सूचना मिली वन स्टॉप सेंटर के बारे में कि यहाँ पर जो स्टाफ है वो उपलब्ध नहीं था, तो उसी को देखते हुए मैं यहाँ निरीक्षण के लिए आई और यहाँ पर पाया गया कि जो हमारी नाइट शिफ्ट में स्टाफ की ड्यूटी होती है उनमें से एक स्टाफ नहीं आए थे, जो कि हमें सीसीटीवी कैमरा में देखने के बाद पता चला है। तो हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शुरू कर दिया है। और बाकी हमने यहाँ पर किचन का भी निरीक्षण किया है जहाँ पर पीड़ित महिलाओं के लिए खाना बनाया जाता है, और जो उनके रहने की व्यवस्था की गई है उसका भी निरीक्षण किया गया है। तो उसमें कोई अभी खामियां हमें नहीं मिली हैं, क्योंकि अभी कोई पीड़ित महिला यहाँ पर वन स्टॉप सेंटर में नहीं रुके हुए हैं। तो बस इस के बाद जो भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे अपनी ड्यूटी के दौरान उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। मैम, जो यहाँ पर परमानेंट जो लेडी है वो 24/7 होनी चाहिए, परंतु ऐसा कोई प्रावधान देखने को मिलता नहीं कि वो लेडी यहाँ पर है, तो उसके लिए कुछ आपने आगे का कोई प्लान किया? मैंने उनको भी हिदायतें दी हैं कि जितना भी कोशिश हो सके वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रुके, और यहाँ पर वन स्टॉप सेंटर की एक नई बिल्डिंग की का प्रावधान है, तो जैसे ही वो बिल्डिंग पुनः रूप से तैयार हो जाएगी तो वो वहाँ पर पूरा टाइम अपना रुकने का व्यवस्था कर लेंगे। मैडम, वन स्टॉप सेंटर में पीड़ित महिलाएं और बच्चों की सुरक्षा को भी देख के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ सुरक्षा के मद्देनजर पे कोई भी सुरक्षा गार्ड नहीं दिखाई दे रहे, क्या इसको भी लेकर कोई आपकी तरफ से कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, अगर जो यहाँ पर नहीं है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करें। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।